सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अभी अच्छी चल रही है तो बहुत बढ़िया। और हमारे YouTube चैनल इनोवेशन वाईफाई स्टडी में आपका स्वागत है। वेलकम टू इनोवेशन वाईफाई स्टडी। अब हम क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। चंद ही मिनटों में हमारी क्लास शुरू होगी, तो शुरू करने से पहले आप क्या क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो यार। हाँ, सभी को राम राम। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि और भी कैंडिडेट आज के और साथ के साथ हमारे साथ पढ़ सके। एक मिनट का टाइम है आपके पास। हाँ, शेयर कर दो यार, सभी जितने भी आए बंदे हैं और बंदों के पास भी शेयर कर दो क्लास को। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इनोवेशन वाईफाई स्टडी को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगी बेल आइकन को जरूर दबाएं, और क्लास पसंद आए तो लाइक कर देना और शेयर करना तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो आप कहें क्लास को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम क्लास को शुरू करने वाले हैं। हाँ, एक आपको बता दिया है, अभी सुबह 7 बजे और हमारी जो शाम के अब क्लास लग रही है वो शाम के 7 बजे, आपको फिक्स टाइम बता दिया है। पहले आप फिक्स टाइम पूछ रहे थे कि सर टाइम बताओ क्लासों का क्या है, अब आ नहीं रहे हो, कोई बीच में आ रहा है कोई बाद में आ रहा है, तो कैसे समझ में आएगा अभी, ठीक है ना। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो जिसके पास सूचना अभी तक पहुंची नहीं है टाइम वाली कि टाइम पे क्लास लगनी शुरू हो गई है अब, तो उसके पास में सूचना पहुंचानी बहुत ही ज़रूरी है। तो क्लास को शेयर कर दो यार, शेयर करने से ही बंदे जुड़ेंगे और हमारा मनोबल बढ़ेगा तो हम और बेहतर लेके आएंगे आपके लिए। अब हम कोर्स को रोकने वाले नहीं हैं, हमारा कोर्स जल्दी हो जाएगा, इसके बाद में हम इसका रिवाइज करेंगे, टेस्ट सीरीज करेंगे, पीछे के भी क्वेश्चन को हल करेंगे जो पेपर में आए हुए हैं। तो क्लास को शेयर कर दिया है सभी ने, जितने भी कैंडिडेट जुड़े हैं उन सभी को राम राम, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। चलिएगा गाइस, शुरू करते हैं अब, और शुरू करते हैं तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है। चलिएगा वैसे जुड़ते रहेंगे साथ के साथ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपको दिखाई दे रहा है किस प्रकार का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है समाकलन है 1/cos²(5x+2dx)। ये क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इजिली क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया है, थोड़ा सा इसको कन्वर्ट करना है आपको। किस में कन्वर्ट करना है? ये 1/cos है, मैं इसको कन्वर्ट करना बता दिया था मैंने पिछली क्लास में भी, यानी कोसेक को और सेक में चेंज करना बता दिया था, साइन और कोस को। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा तो देखना मेरे गाइज, ये यहाँ से इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा, ये सेक में चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो सेक में चला जाएगा, और ये 5x+2 हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा अभी, ये क्वेश्चन हमारा चेंज हो जाता है। किसी को किसको समझ में नहीं आया अभी, जिसको समझ में आ गया वो थम्सअप जरूर कीजिएगा। यानी मैंने बताया था भी 1/cos में cos(x)=, होता है sec(x), होता है भी, और 1/cos में sin(x)=, होता है cos(x)। ये तभी समझ में आएगा जब हमारी कंटिन्यू आप क्लास लेते रहोगे, क्योंकि मैं हर क्लास में प्रत्येक कोई ना कोई नया पॉइंट बताता हूं आपको, तो ऐसी कोई बात नहीं है। चलिएगा, आपको डेली क्लास लेना है, बहुत ही बढ़िया। सभी रेडी हैं? हाँ, ठीक है, गुड इवनिंग सभी को, ठीक है। चलिएगा, अब हमने इसको कोस को सेक में चेंज कर दिया, मैं यहां से करूंगा पुट, ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया है, ठीक है ना। अब देखिएगा, मैं इस क्वेश्चन में पुट करूंगा, किसकी जगह पुट करूंगा, 5x+2 की जगह मैं टी पुट कर रहा हूं। क्या पुट कर रहा हूं अभी? टी पुट कर रहा हूं। अब मेरे को पुट करने के बाद में इसका अवकलन करना होता है, और किसके सापेक्ष करना होता है, जिसके सापेक्ष हमने वो रखा है टी के इक्वल रखा है, तो टी के सापेक्ष हम इसका अवकलन करेंगे। देखना, 5x+ इसका टी के सापेक्ष करेंगे तो 5 अचर राशि है, यहां से हो जाएगा dx/dt, 2 अचर राशि है और इसके गुणा में कोई चर नहीं है, तो इसका हो जाएगा 0 = 1 हो जाएगा टी का। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 5x, यहां से देखिएगा dx = हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/5 dt। हमें किसका मान चाहिए? यहां से हमें ओनली फॉर dx का मान ही चाहिए, तो हमने यहां से dx का मान निकाल लिया। dx ये इसके गुण भाग में था, ये इधर जाएगा तो गुणा में, और ये इसके गुणा में, ये इधर जाएगा तो इसके भाग में आ जाएगा ना गाइज। चलिएगा, यहां से देखिएगा
हमारे पास dx का मान आ गया और इसका मान आ गया, तो मैं इसमें इस इक्वेशन में मैं मान रख सकता हूं ना, तो ये sec square है ना, और 5x plus k 2 है, 5x plus k 2 की जगह मैंने t रख दिया और dx का मान मैंने 1 upon 5 और ये dt रख दिया। अब देखिएगा 1 upon 5 को मैं बाहर लिख लेता हूं और ये sec square t और ये dt। अरे यार क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये देखिएगा आपका सूत्र बन गया ना। और ये किसका समाकलन होता है आप बोलोगे, सर ये समाकलन होता है किसका, tan का, और ये t है ही, प्लस का c लगा दिया यार। यानी sec square t किसका समाकलन होता है, sec square t हमारा जो समाकलन होता है वो किसका होता है भी गाइस, बताइएगा किसका होता है, sec square t tan t का होता है, tan t का होता है। तो देखिएगा यार यहां से अब देखिएगा 1 अपॉन 5 हमारा है, यहां से tan है और t का मान मेरे को वापस रखना होता है, तो t का मान मैंने यहां से रखा था 5x plus 2 plus का c, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाता है गाइस। देखिएगा जिस किसी को भी स्क्रीन शॉट लेना है वो अच्छे तरीके से स्क्रीन शॉट ले सकता है, जिसको नोट करना है वो अच्छे तरीके से नोट कर सकता है। हाँ जितने भी कैंडिडेट जुड़े हैं वो एक बार थम्स अप जरूर कीजिएगा। हाँ चलिएगा, सभी को गुड इवनिंग, राम राम सभी को, ठीक है। यहाँ से देखिएगा ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, और आप बीच में मत जुड़ना भी, देखिएगा आप बीच में जुड़ते हो कोई बात नहीं, जुड़ जाइएगा, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ आप समय पर आ जाइएगा, ठीक है ना। फिर कहोगे सर हमारे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, अरे कहाँ से समझ में आएगा आपके, कहाँ से समझ में आएगा अगर बीच में आते हो। मैंने यहाँ से शुरू किया ना, तब से कोई बंदा आया है उसके बेहतर समझ में आएगा, उसके बेहतर समझ में आने वाला है। तो आप क्या है, आपको बता दिया है अभी 7 बजे सुबह और 7 बजे शाम को आपकी क्लास होती है, तो हाँ कोई टेक्निकल इश्यू हो जाता है तो क्लास मिस ही हो गई, वैसे टाइम चेंज नहीं होगा। अगर 7 बजे क्लास नहीं होती है तो आप समझ लेना आज कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, कोई टेक्निकल इश्यू आ गया है, ऐसी कोई बात नहीं आ जाता है यार। तो उस दिन तो क्लास मिस ही रहेगी हमारी, टाइम चेंज नहीं करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि उसको 7:30 या 8 बजे शुरू करेंगे, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। अगर 7 बजे शुरू नहीं होती है तो एक बार 7 बजे आप जरूर आ जाए करो यार, ठीक है ना, चैनल पे आया करो, डेली आया करो यार, क्लासें लगती है आपकी और बेहतर आपको कराया जा रहा है, ऐसा मौका बार बार नहीं आने वाला आपके पास में। तो क्या है, फर्स्ट ईयर का फर्स्ट ईयर में इसको फिनिश करो यार, अब को मैथ को साथ में नहीं घसीटना है 4 साल तक। चलिएगा ये क्वेश्चन आपके समझ में आ जाता है, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, तो एक बार थम्सअप जरूर कीजिएगा यार, जितने भी कैंडिडेट बाद में जुड़े हैं उन सभी को मैं बता देता हूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी बेल आइकन को जरूर दबा लें और सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें क्लास को, ताकि सभी को पता चले कि टाइम का पता नहीं है किसी को भी, ठीक है ना। जिस किसी को पता है वो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो भी, अब कंटिन्यू क्लास शुरू हो गई है, टाइम के हिसाब से हो गई है। तो देखिएगा हमारा जो सेकंड क्वेश्चन रहने वाला है वो इस प्रकार से है, शानदार है आसान, 1 नंबर का आ सकता है, 2 नंबर का भी आ सकता है, लेकिन लिखने के बाद में आपको पता चलेगा। यहां पे x लिख देता हूं और ये यहां से dx है, इसका मान बताओ। आप समझो कि यार tan cos डायरेक्ट कोई फॉर्मूला, हाँ tan cos डायरेक्ट समाकलन का कोई फॉर्मूला नहीं है, sec यानी tan का अवकलन का डायरेक्ट फॉर्मूला है, tan का नहीं है, तो इसको क्या करोगे आप जैसे जिस प्रकार से ये क्वेश्चन कर रहे हैं ना उसी तरीके से आपको इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिएगा किस प्रकार से गाइस, ध्यान दीजिएगा, यहां से tan है, यहां से tan है, tan को मैं क्या लिख सकता हूं भी, यहां से देखिएगा गाइस, यहां से मैं लिख सकता हूं sin बटे cos लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं ना। देखिएगा बहुत बढ़िया, अगर मैंने इसको ये लिख दिया, अगर मैंने इसको ये लिख दिया तो देखिएगा क्या बनेगा, यहां से अगर मैं किसकी जगह मान रखूं, मैं यहां से किसकी जगह मान रखूं, मैं यहां से अगर cos x की जगह अगर मैं t रखूं, cos x की जगह अगर मैं t रखूं तो मेरा क्या बनेगा, cos x की जगह अगर मैं t रखता हूं तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा,
अवकलन करना पड़ेगा। तो अवकलन हमारा क्या होगा, कोस का अवकलन होता है हमेशा साइन, और साइन किसका आएगा, माइनस का साइन आएगा, और यहां से आ जाएगा वापस, क्योंकि टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो एक्स का यहां से हो जाएगा डीएक्स अपॉन डीटी और टी का हो जाएगा एक। तो हमें मान किसका चाहिए, अब हमने कोस की जगह, तो देखिएगा गाइस कोस की जगह तो हमने टी रख दिया है, लेकिन हमें मान चाहिए साइन एक्स और डीएक्स का, किसका मान चाहिए, साइन एक्स और डीएक्स का मान चाहिए। तो यहां से हमें साइन एक्स और डीएक्स का ही मान निकालना है, तो यहां से मैंने लिख दिया साइन एक्स और यहां से डीएक्स, तो ये माइनस का है वो इधर चला जाएगा, ये माइनस का है तो इधर चला जाएगा, और ये डीटी है वो इसके गुणा में आ जाएगा। तो अब साइन एक्स और डीएक्स का मान यहां से रखेगा और कोस का मान यहां से रखेगा। अब हमारा जो क्वेश्चन कन्वर्ट होता है ना, वो इस टर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यहां से हमें समाकलन करना है, यहां से देखिएगा साइन एक्स और डीएक्स का मान माइनस का डीटी अपॉन में कोस का मान ये टी। अब ये क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन बन गया गाइस। यहां से ये आसान हो जाएगा, इसको मैं बाहर लिख लेता हूं और इसको इस प्रकार से चेंज कर देता हूं, ठीक है ना, वन अपॉन टी लिख सकता हूं। अब आप बोलोगे कि सर ये माइनस का तो बाहर ही रखना है हमें, और ये टी का मान है ना, यानी ये वन अपॉन टी और टी डीटी है, तो यहां से लॉग टी हो जाएगा इसका समाकलन। तो यहां से लॉग टी प्लस का सी लगा दिया मैंने। अब आप बोलोगे सर यहां से इसका मान रखना है किसका, इसका मान हमें यहां से रखना है माइनस का लॉग, और टी का मान यहां से कितना था, कोस एक्स था, तो यहां से कोस एक्स रख लिया प्लस का सी। अब ये रख सकते हैं ना आप आसानी से, रख सकते हैं, हाँ ठीक है रख सकते हैं। तो देखिएगा जिसको भी स्क्रीन शॉट लेना है वो अच्छे तरीके से स्क्रीन शॉट इसका ले सकता है। चलिएगा, और एक बात और बता देता हूं, यहां से देखिएगा इसके दो आंसर आ सकते हैं, अगर आपको ऑप्शन टाइप क्वेश्चन मिल जाए, चार ऑप्शन मिले, अगर ये इस प्रकार का ऑप्शन आपके नए मिले ना, तो एक इस प्रकार का भी मिल सकता है। किस प्रकार का, मैं अगर इसको लॉग को, मैं अगर लॉग यानी लॉग नहीं कोस को किस प्रकार से लिख सकता हूं, वन अपॉन में शेक एक्स लिख सकता हूं ना कोस को, और प्लस का सी लगा दिया मैंने। अब देखिएगा माइनस का है लॉग, अगर सेक को मैं ऊपर लेके जाऊंगा, एक बार थोड़ा सा ध्यान देना, सेक को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो आप कहोगे सर कोस में चेंज हो जाएगा, हाँ हो जाएगा यार चेंज, एक बार चेंज नहीं करना है हमें। यहां से हम करेंगे शेक इनवर्स एक्स, और शेक इनवर्स एक्स यानी इसका ये पावर क्या है, एक पावर है, वो ऊपर जाएगा तो माइनस का पावर होता है, आप सभी को मालूम है। अगर ये माइनस पावर होता है ना, तो इसको लॉग के टर्म में चेंज करते हैं ना, तो एक हमारे पास फॉर्मूला होता है कि लॉग एक्स की स्क्वायर है ना, इसको थोड़ा सा इसके अगर लॉग लेंगे ना, तो ये दो लॉग एक्स लिखते हैं इसको, तो यहां से दो ये पावर है ना ये पहले आ जाती है इसके, इस प्रकार से इसको हल करते हैं। तो यहां से देखिएगा हमारे पास ये पावर माइनस की है, ये इधर आएगी तो ये माइनस का पहले से है, और ये माइनस का एक और आ जाएगा, तो यहां से ये चेंज हो जाएगा, या तो आपको ऑप्शन में ये चेंज मिलेगा यानी ये माइनस और माइनस प्लस का सेक मिलेगा, या अगर कोस मिलेगा तो यहां से माइनस लगा हुआ मिलेगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, या तो आपको एक नंबर में पूछ लेगा ये क्वेश्चन, या आपको दो नंबर में ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है पीछे, तो इस पर आप क्या है इंपॉर्टेंट लगा लेना भी, क्योंकि ये देखने में आसान है और करने में थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन है इजी। ये क्वेश्चन सभी के समझ में आ गया ना, तो एक बार थम्स अप कीजिएगा, हाँ सभी को गुड इवनिंग, ठीक है ओके बढ़िया, ठीक है चलेगा गाइस टाइम पे आ जाइए। ये हमारे पास क्वेश्चन हल हो जाता है, जिसको भी स्क्रीन शॉट लेना है वो अच्छे तरीके से स्क्रीन शॉट ले सकता है, और जिसको भी नोट करना है वो अपनी कॉपी में नोट कर सकता है। चलिएगा गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जितने भी नए गाइस जाएं वो सभी या चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें यार। पढ़ाने का मज़ा तभी आता है जब पढ़ने वालों की संख्या अधिकतम होती है और पढ़ने वाले इच्छुक होते हैं, इंटरेस्ट लेके पढ़ा किया करो।
पढ़ाई हमेशा इंटरेस्ट से होती है, किसी दबाव से नहीं होती। चलिएगा, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है शानदार क्वेश्चन रहेगा। अगर हमने टेन का कर लिया तो कोट का भी करेंगे भी। अगर हमने टेन का समाकलन सीख लिया भी, टेन का समाकलन क्या होता है, तो हम कोट का भी करेंगे, बड़ी आसानी के साथ करेंगे यार। आप बोलोगे सर हमने टेन का कर लिया तो कोट का हम कर देंगे, चलिएगा बहुत ही बढ़िया, जिसको आता है वो करिएगा, बड़ी आसानी के साथ करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसको नहीं आता है वो मेरी तरफ बोर्ड की तरफ देखिएगा, सभी गाइज यहां से देखिएगा। अब हम इसको चेंज करेंगे, यानी कोट है उसको हम लिखेंगे कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स और डी एक्स, ये हमने लिख दिया, इतना आपके समझ में आ गया। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या लिखना है हमें, किसकी जगह क्या रखना है, किसकी जगह हमें क्या रखना है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप क्या है साइन की जगह टी रख दीजिएगा, यहाँ से आप क्या है साइन की जगह टी रखिएगा, तो आप यहाँ से साइन की जगह टी रखोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा गाइज, यहाँ से अगर मैं पुट करूँगा साइन एक्स की जगह अगर मैं टी पुट करूँगा, और इसका अब मेरे को क्या करना है अवकलन करना है, अब मेरे को पुट करने के बाद में क्या करना है अवकलन करना है, तो अवकलन करना है, वो किसके सापेक्ष करना है, जिसके इक्वल हमें ये इक्वेशन रखी है, तो साइन एक्स किसके इक्वल रखा है आप बताइएगा, आप बताइएगा साइन एक्स किसके इक्वल रखा है, मैंने टी के इक्वल रखा है, तो इस इक्वेशन का टी के सापेक्ष हमें अवकलन करना होता है, तो साइन का हमेशा होता है कोस एक्स का एक्स, और वापस एक्स का टी के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो ये dx upon dt is equal to t का t के सापेक्ष हमेशा एक होता है, लेकिन हमें मान किसका चाहिए, cos x और dx का मान चाहिए, तो यहां से cos x और dx is equal to, ये इसके पैरा में है dt यानी इसके भाग में है, ये इधर जाएगा तो इसके गुणा में आ जाएगा। अब हमारा ये क्वेश्चन क्या बन जाता है देखिएगा, यहां से देखिएगा ये वन यानी cos x और dx का मान हमारा आया है dt, और ये साइन का मान हमने रख दिया t, तो इसको थोड़ा सा व्यवस्थित कीजिएगा, वन अपॉन में t और ये हो जाएगा dt। अब इसका समाकलन करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा log t प्लस का c, log t प्लस का c हमारे पास बन जाएगा। अगर ये बन गया हमारे पास तो यहाँ से t का मान हमें रखना है, तो t का मान मेरे पास आया था साइन x और प्लस का c, प्लस का सी। ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया ना, इसके भी दो आंसर हो सकते हैं, कौन से, अगर मैं इसको इस प्रकार से लिखू ना, एक तो हमारा ये आंसर मिलेगा आपको, अगर ये भी नहीं मिले ना तो इसको आप ये लिख सकते हैं ना, यानी साइन को क्या लिख सकते हैं कोसेक में चेंज करेंगे तो वन अपॉन कोसेक हो जाएगा प्लस का सी। अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे भाई, इसको ऊपर लेके जाएंगे गाइज, तो ये इनवर्स में चेंज यानी माइनस की पावर हो जाएगी, और इसको हल करेंगे तो ये माइनस का पहले लग जाएगा और ये चेंज हो जाएगा भी। ये देखिएगा, या तो आपको ये मिलेगा और या आपको ये मिल जाएगा, एक ही बात है, अगर ये नहीं मिलेगा तो ये मिल जाएगा। अगर आपको दो नंबर में आता है ये क्वेश्चन, अगर आपका ये दो नंबर में आता है तो आप कोई सा भी इसमें से कर सकते हो, क्या है इसमें से कोई सा भी आप इसमें से कर सकते हो, बड़ी आसानी के साथ में कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है आपके, आप यहाँ तक कर देना, आपके दो नंबर का आता है। अगर आपके एक नंबर का आता है तो आपको देखना है भी, अगर माइनस आया है तो कोशेक आएगा, और अगर प्लस आया है तो यहाँ से क्या आ जाएगा साइन आ जाएगा। चलिएगा गाइस, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, चलिएगा ये क्वेश्चन सभी के समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप जरूर कीजिएगा, और जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो ज्यादा क्लास नहीं रहने वाली है हमारी, दो तीन क्लासों में हम इस समाकलन को फिनिश कर लेंगे, क्योंकि आपके u इंटू v वाले समाकलन बचे हैं और उससे आपको एक या दो क्वेश्चन 100% आएंगे, तो वो क्लास देखना मत भूलिएगा और टाइम पे आ जाइएगा, 7 बजे शाम को और 7 बजे सुबह आपको आना है क्लास में। यहां से देखिएगा,
हमारे पास ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन समाकलन, ये है साइन 2x, साइन 2x अपॉन में नीचे हमारे क्या दिया गया है 1 प्लस में साइन स्क्वेयर एक्स और dx, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है गाइज, और ये क्वेश्चन हमें हल करना है। तो देखिएगा इजी क्वेश्चन है, पहले तो आपको सर्वप्रथम सभी सूत्रों के बारे में मालूम होना चाहिएगा। यहां से मैंने आपको बताया था भी साइन 2x बराबर क्या होता है, पहले तो इसको हल करना है हमें, क्योंकि यहां पे 2x है तो इसको x में चेंज करना है। किस प्रकार से करेंगे, मैंने आपको बताया था भी साइन यानी cos 2x के फॉर्मूले आपको चार बताए थे मैंने, और sin 2x का मैंने फॉर्मूला बताया था भी, इसको इस प्रकार से लिखते हैं 2 sin x और cos x लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो देखिएगा इसको मैंने इस प्रकार से लिख दिया 2 sin x cos x अपॉन में 1 प्लस में sin स्क्वायर x और ये हो जाएगा dx, ये हो जाएगा गाइस। तो यहां से देखिएगा अब आप किसके इक्वल क्या रखोगे, आप रखोगे 1 प्लस में साइन स्क्वेयर एक्स बराबर आप टी रखोगे, क्या रखोगे टी रखोगे। तो यानी इस ऐसी वैल्यू के इक्वल हमें रखना है कि उसका अवकलन करने के बाद में हमें जो क्वेश्चन में दी गई समीकरण या जो फलन है वो बन जाए। यहां से अगर इसके इक्वल रखोगे तो ये हमारे पास जरूर बनेगा, ये हमारे पास जरूर बनेगा। देखना किस प्रकार से बनेगा, अगर मैं यहां से पुट करूंगा, ये अगर मैं यहां से 1 प्लस का साइन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू टी पुट करूंगा, और टी पुट करते ही मेरे को अवकलन करना अति आवश्यक है। तो यहां से हमें अवकलन करना है, तो एक का अवकलन हमेशा जीरो होता है, प्लस का ये देखिएगा साइन की स्क्वेयर है तो इसका अवकलन करेंगे तो 2 पहले आ जाएगा, और यानी एक पावर में कमी होगी, तो एक पावर में कमी होगी तो ये साइन एक्स बन जाएगा। अब वापस साइन यानी ये यहां पे वास्तव में ही एक्स नहीं था, इसको मैंने इसकी टर्म से ही हल किया है, एक्स की पावर का करते हैं ना, तो 2x की पावर 2 माइनस का 1 इस प्रकार से, लेकिन ये वास्तव में x नहीं है, तो साइन का वापस करेंगे x के सापेक्ष तो हमारे पास क्या बन जाएगा cos x बन जाएगा ना, cos x बनेगा, और cos x बनने के बाद में देखिएगा यहां से x का वापस करेंगे तो dx अपॉन में dt हो जाएगा, और यहां से t का हो जाएगा 1। तो यहां से हमारे पास किसका मान चाहिए, 2 sin x cos x का मान चाहिए, तो 2 sin x cos x dx is equal to हमारे पास dt आ जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन हल हो जाता है गाइज, देखिएगा यहां से हमें ये मान पुट करना है, अब इसके इक्वल, इसके इक्वल हमें ये मान पुट करना है, तो ये यहां से हमारे पास आ जाएगा, यानी 2 sin x cos x का मान मेरा है dt, और नीचे मैंने रख दिया t, तो यहां से ये गाइज इस प्रकार से बन जाएगा 1 अपॉन में t और dt। तो यहां से ये 1 अपॉन t का समाकलन क्या होता है, 1 अपॉन में t का समाकलन होता है log t और प्लस का c, और log t वापस मान रख दीजिएगा तो ये बन जाएगा log 1 प्लस का sin स्क्वायर x प्लस का c, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाता है। ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, सर्वप्रथम मैंने साइन 2x को इस प्रकार से इसको हल किया, यानी ये एक फॉर्मूला होता है उसमें चेंज कर दिया, इसके बाद में चेंज करने के बाद में इसकी जगह मैंने t रख दिया। मैंने बताया था भी ऐसी वैल्यू के इक्वल t रखना है जिसका अवकलन करने के बाद में क्वेश्चन से ही संबंधित हमारे पास बन जाए कुछ ना कुछ, यानी ये क्वेश्चन से ही संबंधित बना है 2 sin x cos x, ये हमारे पास बन गया 2 sin x cos x dx dt, ये बन जाता है गाइज। तो देखिएगा ये हमारे पास इस प्रकार से बन जाता है। अब इसका हम कर देंगे क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे, यानी यहाँ पे मान रखेंगे तो 1 अपॉन t का हमेशा समाकलन क्या होता है, देखिएगा इधर देखिएगा 1 अपॉन t का समाकलन क्या होता है, log t होता है, और वापस t का मान रखेंगे 1 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स, ये मान रख देंगे, और ये हमने लगा दिया समाकलन नियतांक लगा दिया। चलिएगा ये क्वेश्चन सभी के समझ में आ गया है, तो देखिएगा एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं।
आसान क्वेश्चन है भी, कहीं मत जाइएगा, चलिएगा। ये आप भी कर सकते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन कराने वाला हूँ गाइस वो आप भी कर सकते हैं, आसानी के साथ कर सकते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है भी। एक बार करोगे बार बार करना, एक बार समझोगे थोड़ा समझ में आएगा, दोबारा पढ़ोगे थोड़ा सा और आ जाएगा, और दो तीन बार पढ़ोगे, यानी यार एक, चलो चलिएगा। अब हमने जो 7 बजे क्लास लगाई है, ठीक है लगा ली, आपको समझ में आ गया कुछ ना कुछ, मानो आपकी 30% ही समझ में आया है, तो आप क्या है दोबारा रिवाइज करोगे तो आपके पास ये अवेलेबल रहता है 24 घंटे आपकी ये सेवा मिलेगी आपको। तो आप जब भी फ्री होते हैं तो एक बार थोड़ा सा और देख लो, तो थोड़ा सा क्या है 20% और यानी 50% आ जाएगा, ऐसे ऐसे करते आपको 70-80% तक पहुंचना जरूरी है। तो आपको कि 2-3 बार क्लासों को देखना ही पड़ेगा। तो चलिएगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो इस प्रकार से है भी, एक्स का और साइन एक्स स्क्वेयर, एक्स साइन एक्स की स्क्वेयर डीएक्स, इसका मान हमें बताना है, इसका मान हमें बताना है। तो मैं यहां से क्या करूंगा, एक्स की स्क्वेयर की जगह मैं पुट करूंगा किसको, टी को पुट करूंगा, और टी पुट करते ही मेरा ये अवकलन बन जाता है, ये अवकलन बनेगा। तो इसका ये अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष, तो यहां से हमें किसका मान चाहिए, एक तो एक्स का और डीएक्स का मान चाहिए, तो और वैल्यू है वो उसको इधर भेज देंगे, हमें जो मान चाहिए वो एक तरफ रखेंगे, हमें तो एक्स का और डीएक्स का मान चाहिए, तो एक्स को और डीएक्स को मैंने एक तरफ रख लिया, जो बची हुई वैल्यू को इधर भेज देंगे। जाने दीजिएगा कोई बात नहीं, वापस ले आएंगे, ये हो जाएगा 1/2x और ये हो जाएगा dt। चलिएगा अब हमारे पास मान आ गया, अभी ये क्वेश्चन एक्स का और डीएक्स का मान हमारे पास आ जाता है 1/2 और dt आ जाता है ना, हाँ कोई बात नहीं। यहां से ये देखिएगा साइन लिख दिया मैंने, साइन लिख दिया, और एक्स की स्क्वेयर के मैंने इक्वल टी रखा था, टी रख दिया, और यहां से ये डीटी आ गया। अब ये हमारा क्वेश्चन क्या बन जाता है, 1/2 को मैं बाहर लिख लेता हूं, साइन टी और ये डीटी, और साइन टी का समाकलन आपको मालूम है क्या होता है, 1/√t, और साइन का हमेशा होता है माइनस का कोस टी प्लस का सी, तो ये माइनस का है ना इसको बाहर लिख लेते हैं, और ये है कोस, और टी का मान रखेंगे टी इक्वल हमने रखा था एक्स की स्क्वेयर, ये प्लस का सी, ये हमारा आंसर आ जाता है। क्या आ जाता है गाइज, माइनस के 1/2 कोस एक्स की स्क्वेयर प्लस का सी, हमने क्या रखा था एक्स की स्क्वेयर इजिकल टू टी रखा था, इसका हमने अवकलन कर दिया था, अवकलन करने के बाद में यहां से हमारे पास क्या बन जाता है, हमें किसका मान चाहिए एक्स का चाहिए, यानी टी के यानी साइन की स्क्वेयर इक्वल हमने टी रख दिया, अब हमें एक्स का और डीएक्स का मान चाहिए, तो एक्स को और डीएक्स को एक तरफ रखते हैं, बाकी बची हुई वैल्यू को दूसरी तरफ भेज देते हैं, दूसरी तरफ भेजेंगे तो हमारे पास 1/2 डीटी बन जाता है, ये इसके यहाँ पे मान रख देते हैं, और जो हमें माना था एक्स की स्क्वेयर का जो मान हमने रख दिया। अब हमारे पास साइन टी में टर्म चेंज हो जाती है, चेंज होने के बाद में आप जानते हैं साइन टी का क्या होता है, माइनस का कोस टी होता है, और टी का मान वापस रख देते हैं, तो हमारा क्वेश्चन हल हो जाता है, ये समाकलन हमने नियतांक लगा दिया। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकता है। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में कल सुबह मिलेंगे कुछ नए के साथ। क्लास पसंद आई है तो यार लाइक कर दो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो क्लास को, ताकि और भी बच्चे, ये जो जितनी भी संख्या हमारे साथ जुड़े हैं उससे ज्यादा होनी चाहिए, उससे दुगनी होनी चाहिए कल सुबह। कल सुबह आपकी 7 बजे क्लास होगी, तो देखना मत भूलिएगा, आइएगा, ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो क्या है लगभग 4 नंबरों के क्वेश्चन आते हैं, और मैं आपको बता देता हूं यू इंटू वी के समाकलन का 2 क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे, 2 क्वेश्चन पक्के मिलेंगे, तो क्लास को मिस मत करिएगा, आइएगा गाइज, और समय पे आइएगा, 7 बजे हमारी क्लास शुरू होगी, तो होगी भी, हाँ अगर टेक्निकल इश्यू हो जाता है तो नहीं होगी, अगर सही रहा तो हमारी 7 बजे क्लास होगी, तो एक बार आके देखिएगा, अगर क्लास लग रही है तो कहीं मत जाइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगी बेल आइकन को दबा लें, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद जय भारत।